हमारी बुक्स के अंदर जो राइटिंग प्रिंट हुई है ना, उर्दू की राइटिंग जो आप जो लिखते हैं, हमारी बुक्स के अंदर जो राइटिंग है उसका एक मखसूस नाम होता है, पता है किसी को आप में से? उस राइटिंग को क्या कहते हैं? अरफा आपको पता है? आपको नहीं। हमारी बुक्स में जो राइटिंग प्रिंट होती है ना उसका एक मखसूस नाम है, उसको नस्तालीक कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? जब भी कोई सवाल हो या कंप्यूटर के ऊपर आप कोई ऐसा कोर्स करते हैं, कंप्यूटर में आपको उर्दू की हैंडराइटिंग जरूर पड़ जाती है, तो वहाँ कंप्यूटर में आप नस्तालीक लिखेंगे तो कंप्यूटर में उर्दू की राइटिंग आएगी, वरना टेढ़ी मेढ़ी। और मुख्तलिफ 107 जुबानें टोटल हैंडराइटिंग की, 107 स्टाइल हैं फॉन्ट जिनको कहते हैं, उनमें जो मखसूस हमारी बुक्स के अंदर प्रिंट है उसको सिर्फ नस्तालीक कहते हैं। तो ये नाम आपने ज़हन में रखना है। ये नस्तालीक लिखने का तरीका भी देख लें कि नस्तालीक किस तरह लिखा जा सकता है। हैंडराइटिंग सीखने के लिए या समझने के लिए ये तीन चार बुनियादी पॉइंट हैं, इनको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लफ्ज़ की जो ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई होती है, ये लफ्ज़ यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा है, किसी भी लफ्ज़ की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई को या किसी भी बॉल पेन पेन पेंसिल मार्कर उसका जो डॉट होता है ना बड़े से बड़ा, उसको कट कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई को और किसी भी बॉल पेन पेन पेंसिल मार्कर या उसके डॉट को कट कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ का पता करना हो कि यह लफ्ज़ कितना लंबा खींचना है, कितनी हाइट करनी है, कितनी विथ करनी है, उसके लिए आपको उसकी पैमाइश का पता होना बहुत ज़रूरी है। डॉट, ये डॉट है तो ये डॉट के साथ इसकी आप पैमाइश करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आप अगर हैंड राइटिंग का कोर्स कर रहे हैं या आप उसे लिखना चाह रहे हैं तो आपको ये इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि कफ किसको कहते हैं और किसी लफ्ज़ की चौड़ाई को क्या कहते हैं। ये तीन चार पॉइंट हैं, ये आपने आज ध्यान निशिल करने में। तीसरे नंबर पे पहला ये है, दूसरा ये है। इसी तरह हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग जो है ना, ये टोटल कितनी लाइनों का मजमू है? टोटल चार लाइनों का मजमू है। कापी के ऊपर आपको सिर्फ बजाय दो लाइनें नज़र आ रही होती हैं, जैसे ये एक पेज है इसके ऊपर ये आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है? इसके अंदर दो लाइनें और होती हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती हैं, जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वो आपने खुद ही इमेजिन करना है कि पहली लाइन कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। मिसाल के तौर के ऊपर ये चार लाइन, दो लाइनें हैं, देखिए ये दो ही नज़र आती हैं कापी के अंदर हमें। इन दो के अंदर दो लाइनों को आपने अपने जहन में खुद से इमेजिन करना है कि ये पहली लाइन है, दूसरी है, तीसरी है और ये चौथी लाइन है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे ने उर्दू में हैंड राइटिंग सबसे पहले तैयार की है ना, उसकी एक बुक मेरे पास है,
पाकिस्तान बनने से पहले 1936 में 1936 में उन्होंने ये किताब लिखी थी, उनका नाम है ताजुद्दीन ज़री रकम। उन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम है मुरक्के ज़री। उन्होंने उर्दू की हैंड राइटिंग को चार लाइनों में किस तरह तकसीम किया गया देख रहे हैं आप, चार लाइनें नजर आ रही हैं आपको, है ना चार लाइनें। ये चार लाइनों का कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चार लाइनें, इसमें दायरा जो है वो इस लाइन से नीचे आता है, ये वाली लाइन से, ना कि इस चौथी लाइन से, इससे नीचे दायरा नहीं आएगा। यहाँ देख ले आप, किसी लाइन के नीचे दायरा चौथी लाइन से नीचे तो नहीं है, आप ही देखें दायरा जो है ये तीसरी लाइन के नीचे है, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है ना कि चौथी लाइन से नीचे आपने दायरा करना है, यहाँ से नीचे करना है दायरा, उस लफ्ज़ की मैयत हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है, तो लफ्ज़ जो है बहुत बुरा लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप दो लाइनों में से बड़ा साइज का लफ्ज़ लिखेंगे तो बहुत बुरा लगने लग जाएगा, लफ्ज़ की मैयरमेंट उसी सूरत में पूरी आएगी जब आप इन लाइनों के अंदर ही दायरे को भी कम्प्लीट करें। आखिरी बात इसमें समझने वाली, उर्दू की हैंड राइटिंग में होता है कि टोटल 106-107 स्टाइल होते हैं, लेकिन जो हमारी बुक्स में प्रिंट है ना वो फॉन्ट सिर्फ इन्होंने तैयार किया, इनका नाम ताजुद्दीन ज़री रकम है, अलहाज ताजुद्दीन ज़री रकम। सबसे पहले उन्होंने ये किताब लिखी थी, उनका नाम जिस वक्त कंप्यूटर पर लिखेंगे ना उर्दू हैंड राइटिंग या नस्तालीक लिखेंगे बहुत सारे स्टाइल आ जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर आप लिखेंगे ताजुद्दीन ज़री रकम नस्तालीक तो फिर आपको बिल्कुल ओरिजिनल फॉन्ट सामने आएगा। ये उनका नाम है लाज ताजुद्दीन ज़री रकम। उन्होंने सबसे पहले उर्दू हैंड राइटिंग को ये फॉन्ट तैयार करके दिया था, जिन्होंने सबसे पहले 1936 में पाकिस्तान बनने से 10-11 साल पहले उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक हो गया। अब अच्छा पूछ रहा था कि सर जी ये काफ जो है, काफ और गाफ इसकी अलग अलग शक्लें क्यों होती हैं, मैं एक दफ़ा लिख के देता हूँ इस तरह ये, और गाफ लिख के देता हूँ इस अंदाज में। ये काफ भी लिखा जा सकता है और गाफ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको गाफ भी लिख सकते हैं और काफ भी लिख सकते हैं, इसको भी काफ लिख सकते हैं गाफ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जगह अगर आपके पास ज्यादा बच गई है लाइन के, यहाँ पे जगह अगर आपके पास ज्यादा बच गई है आप ये वाला काफ बना सकते हैं यहाँ पे, या गाफ बना सकते हैं इस जगह के ऊपर, तो ये जगह आपकी कवर हो जाएगी। अगर इसमें अलिफ को छोटे साइज में रखना है आपने तो फिर ये दूर तक जाएगा, इसका अलिफ छोटा आएगा। इसी तरीके से ये दो लाइनों के दरमियान में अगर आपने गाफ लिखना है और जगह आपके पास कम है तो फिर इसका अलिफ बड़ा आएगा और ये हिस्सा छोटा आएगा, ठीक हो गया। जितना अलिफ बड़ा होता जाएगा उतना ये बैक साइड इसकी छोटी होती जाएगी, जितना अलिफ छोटा आएगा उतना ये लंबा होता जाएगा। इसी तरीके से चार लफ्ज ऐसे हैं जो अंदर से फील होते हैं, बच्चे अक्सर लिखते हुए जहन में
मीम डालते हैं तो इस तरह मीम डाल देंगे, वाव डालेंगे तो इस तरह डालेंगे, फे डालेंगे तो इस तरह अंदर से खाली होगी, काफ डालेंगे तो अंदर से खाली होगी। ये चार लफ्ज ऐसे हैं कि इनके साथ अंदर से खाली नहीं होते, ठीक है, ये चार लफ्ज इनके साथ अंदर से भरे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर मीम है, ये मीम इस तरह फिल होती है अंदर से, वाव है ये अंदर से फिल होती है, फे है ये भी अंदर से फिल होनी है, काफ है ये भी अंदर से फिल होनी है, अंदर से खाली नहीं होनी। लफ्ज के शुरू में या लफ्ज के आखिर में फे और काफ आए तो अंदर से भरा हुआ होता है, लफ्ज के संकर में अगर फे काफ आए तो अंदर से खाली होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास लफ्ज है शफीक, ये शफीक लफ्ज लिखा है तो फे लफ्जों के दरमियान में आई है तो अंदर से खाली होनी है, काफ लफ्ज का आखिरी लफ्ज है तो अंदर से भरा हुआ होना है, गुफ्तगू लफ्ज है फे लफ्ज के सेंटर में है तो अंदर से खाली है, शुरू और आखिर में अगर होगा तो अंदर से भरा हुआ होना है। जुल्फकार लफ्ज है, दो दफा अगर फे काफ आ जाए, लेकिन जुल्फकार लफ्ज है तो दोनों फे भी अंदर से खाली होनी है और काफ भी अंदर से खाली होनी है। तो ये चीजें आपने ज़हन नशीन रखनी है। आज इंशाल्लाह इतने काम आपको बताया, नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजें आपको बताएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लाओ जी, अब चल।